सो हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि WWE 2K24 में हम इंटरजेंडर मैच कैसे करवा सकते हैं, फीमेल करेक्टर को मेल से कैसे फाइट करवा सकते हैं। पहले आप ऑप्शंस में रोस्टर एंड देन एडिट सुपरस्टार में जाएंगे, उसके बाद आप चीट इंजन ओपन करें। चीट इंजन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चीट इंजन में से प्रोसेस लिस्ट में से WWE 2K24 सेलेक्ट कीजिए। अब फाइल मेन्यू में जाकर लोड पे क्लिक करिए, देन इस फाइल को लोड करें। इस फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपने गेम के वर्जन के हिसाब से इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। इस फाइल को लोड करने के बाद इस पहले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और किसी बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। आप दोबारा गेम में जाइए, आप देखेंगे कि रेसलर चेंज करने से उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये वैल्यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे इस बार मेल के लिए 175 और फीमेल के लिए 174 हैं। अगर हमें एल्बा फायर का मैच किसी मेल कैरेक्टर से करवाना है तो पहले हम इस जेंडर वैल्यू पर डबल क्लिक करेंगे और इस वैल्यू को 174 से 175 कर देंगे। इसके बाद हम गेम को सेव करेंगे। गेम को सेव करने के लिए मैं इसकी डिफ़िकल्टी को चेंज करूँगा और ये गेम सेव हो जाएगी। देन गेम और चीट इंजन को क्लोज कर दूँगा। अब इंटरनेट को स्टार्ट करूँगा और गेम को रिस्टार्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं एल्बा को किसी भी मेल करेक्टर के साथ फाइट करवा सकता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।